हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नितिनेश किचन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी ठंड का मौसम है और आंवले का सीजन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आंवले से कुछ रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं आप सभी के लिए आंवले का मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम पूरा गुड़ से बनाएंगे, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 kg के करीब आंवला ले लिया है। कोशिश करें दोस्तों कि आंवले में कम से कम दाग हो, और इसे हमने अच्छे तरीके से धो के पोंछ लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने एक पतीले में 1.5 लीटर के करीब पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा पानी उबल रहा है, तब तक हम आंवलों में इस तरीके से छेद करेंगे। हम यहाँ पे एक स्पून की मदद से छेद कर रहे हैं दोस्तों। मैंने एक आंवले को 7 से 8 बार स्पून की मदद से प्रिक किया है। इससे क्या होगा, इस छेद की वजह से हमारे मुरब्बे में गुड़ की चाशनी अंदर तक जाएगी और आंवला सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें फिटकरी ऐड कर रहे हैं। बस थोड़ी सी फिटकरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फिटकरी को ऐड करने के बाद हमने जो छेद किए हुए आंवले को रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे। अब फिटकरी ऐड करने से होगा क्या, फिटकरी ऐड करने से जो आंवले में जो कसैलापन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चाहे तो आप फिटकरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर में ये जो मैल आ रही है, इसे हम इस तरीके से छान के निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हमारे आंवले कितने अच्छे तरीके से पक रहे हैं। हमें आंवले को पकाते हुए 5 से 7 मिनट का समय हो गया है। अब मैं एक आंवला निकाल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक आंवला निकाल लिया है। देखिए, इसमें अच्छे क्रैक आ गए हैं। इसका मतलब है हमारा आंवला पक गया है। अब हम सभी आंवले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बस हम सभी आंवलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके वहाँ धूप अवेलेबल ना हो दोस्तों, तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें। बस इसका ऊपर का जो मॉइस्चर है वो सूख जाना चाहिए, हमें इसे ज़्यादा सुखाना नहीं है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आंवले को 2 घंटे धूप में सुखाने के बाद आंवले का कलर देखिए, ये थोड़ा सफ़ेद पे आ गया है। तो आंवले का कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें सारे आंवले को डाल देंगे। ये देखिए, हमने सभी आंवले को डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे करीब करीब 1 kg आंवले के लिए 800 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब हम गुड़ और आंवले को एक बार अच्छे तरीके से हल्के हाथों से चलाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाएं दोस्तों, हमें ज़्यादा इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारा आंवला टूट जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं इसे हिलाते डुलाते चारों साइड से इसे अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। अब हम इसे ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 4 से 5 घंटे का समय हो गया है और हमारा गुड़ जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। हम इसे ज़्यादा चलाएंगे नहीं। हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसमें गुड़ और आंवले को डाल देंगे। इसे हम गैस में बिठा देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे मेल्ट करना है। ये देखिए, हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, 5 से 7 मिनट का समय हो गया है और हमारा गुड़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और इसमें एक अच्छा उबाल भी आ गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से एक बार फिर से चला लेते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा आंवले को कर दे। उलट पुलट करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए फिर से ढक के पकाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ देखिए हमारा गुड़ पूरे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और ये आंवले का कलर देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और हमारे आंवले का मुरब्बा करीब करीब तैयार भी हो गया है। ये देखिए, तो इस टाइम पे हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और इसे ढक के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे आंवले का मुरब्बा ठंडा हो गया है और कितना बढ़िया दिख रहा है ये, बिल्कुल छोटे छोटे गुलाब जामुन की तरह। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ। अब मैं इसे आपको दबा के दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट है ये और रस से भरा। आप इसे आराम से 1 साल तक रख के खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
तो ये लीजिए, हमारे आंवले का मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो क्यों दोस्तों, अब आंवले का मुरब्बा बनाना है ना आसान? तो आप भी इस रेसिपी को दे एक ट्राई और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय।